नमस्कारम सद्गुरु, आपकी किताब मिस्टिक म्यूजिक्स में मैंने पढ़ा है कि अगर मैं किसी को रेकी देती हूँ तो उसके कर्मों के पैटर्न्स मुझ पर आ सकते हैं। मैं खुद को इस चीज से कैसे बचा सकती हूँ? इसे ना करके क्योंकि ये सब चीजें उन लोगों से आई हैं जो बौद्ध मठों को बीच में ही छोड़कर आ गए। अगर आपने यहां देखा लोग कैसे ऊर्जा से फूट रहे हैं, जो भी, ये तो सौम्य लोग हैं। कई और उग्र हैं जो ऊर्जा के विस्फोट हैं। अगर आप इन्हें लोगों को ठीक करने वाला बनाना चाहें तो वो उसमें बहुत कारगर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर अगर किसी ने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो बस हो गया उनका। मैं उन पर ऐसी परत चढ़ा दूंगा कि जिंदगी भर वो अध्यात्म के नाम पर कुछ भी नहीं जान पाएंगे और निश्चित ही हम उन्हें इस जगह से भी बाहर कर देंगे, क्योंकि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। इसलिए नहीं कि हम किसी के दर्द को दूर करने के खिलाफ हैं, But you meddling with another person's life process without knowing the whole of it is irresponsible. पर आपका किसी और की जीवन प्रक्रियाओं के साथ छेड़छाड़ करना, उसे उसकी संपूर्णता में जाने बगैर, ये गैर जिम्मेदाराना है। ये ऐसा है कि आप जानते हैं ना कि इन दिनों आप किसी बड़ी सर्जरी को वीडियो पर होते हुए देख सकते हैं। तो आपने एक ऐसा वीडियो देखा, उसमें सब कुछ बड़े ध्यान से देख लिया, तो कल किसी को कोई प्रॉब्लम हुई और आपने शेविंग वाला उस्तरा लेकर उसकी सर्जरी करने का फैसला कर लिया। मैं कह रहा हूं कि शायद कुछ लोग ऐसा करने से बच भी जाएं। लोग इस तरह के उपचार से बचे हैं, है कि नहीं? कई बार लड़ाई वाले क्षेत्रों में, प्रकृति में जब दुर्घटनाएं हुई तो लोगों ने किसी की बिल्कुल बुनियादी तरीके से सर्जरी कर दी और वो बच भी गए। पर इसका मतलब यह नहीं है कि सर्जरी करने का यह तरीका होता है, है ना? सर्जरी ऐसे नहीं की जाती है, है कि नहीं? यह बस इतना है कि कुछ लोग ऐसी सर्जरी से बच गए, असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया गया। तो किसी और की ऊर्जाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करना बिल्कुल बचकाना है। यह एक स्तर की अपरिपक्वता और भगवान की भूमिका निभाने के एक अहंकारी भाव की वजह से हो रहा है। अगर यह करुणा से होता तो आपको क्या प्रॉब्लम होती? हर किसी के कर्म भी आपके ऊपर आ जाएं अगर उसे पीड़ा से छुटकारा मिल रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? पर ऐसा नहीं है। आप दस्ताने पहनकर भगवान की भूमिका अदा करना चाहते हैं, यह इस तरह से नहीं होता। God didn't play the games with you, the conspiracy with you, with gloves on. भगवान आपके साथ गेम नहीं खेले, दस्ताने पहनकर आपके साथ कोई षड्यंत्र नहीं रचा। वो ये खेल खेलने के लिए आपके अंदर समा गए। ये केवल किसी पुजारी ने आपको बताया कि वो वहाँ ऊपर बैठे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, पर आप देखिए कि जीवन कैसे घटित हो रहा है। सृष्टि के स्रोत ने खुद को आप में समा रखा है कि नहीं? हाँ, क्या ऐसा नहीं है? जब तक आपकी इस हद तक भागीदारी ना हो, आप कभी इन चीजों से छेड़खानी मत करना।